क्या पटना को दहलाने की रची जा रही है साजिश? पटना विश्वविद्यालय के हॉस्टलों में साजिश के तार। आईबी के अलर्ट के बाद एक्शन मोड में बिहार पुलिस। अग्निपथ योजना को लेकर पटना में उपद्रव की आशंका। क्या अग्निपथ योजना को लेकर एक बार फिर बिहार दहल सकता है? कौन है जो बार बार बिहार को दहलाने की कोशिश कर रहा है? आईबी ने अपने अलर्ट में कहा है कि पटना में उपद्रव की आशंका है। आईबी के अलर्ट के बाद पटना पुलिस एक्शन मोड में आ गई है और शनिवार की रात से पटना में सिटी एसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम के द्वारा पटना विश्वविद्यालय के सभी हॉस्टल, पटेल छात्रावास और सैदपुर छात्रावास में एक साथ छापेमारी की गई। पटना पुलिस ने रविवार को भी कई इलाकों में छापेमारी अभियान चलाया। पटेल छात्रावास में छापेमारी के दौरान पुलिस टीम ने वहां से बम बनाने का सामान जब्त किया। इसको लेकर पटना के कदम कुआं थाना में अज्ञात छात्रों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। हमारा एम था हॉस्टल में रेड करने का, जो अभी गिरफ्तारियां हुई हैं इससे सैदपुर हॉस्टल का कनेक्शन आया था, तो एक उसके लिए भी सारे जो भी चर्चित और विवादित टाइप से हॉस्टल्स हैं उसमें रेड करना था। अग्निपथ वाला जो ये हुआ था उसमें भी हमारे यहाँ निर्देश दिया गया था कि इस तरह के सारे हॉस्टल्स पे रेड किया जाए जिसमें छात्र छात्र रहते हैं और जहाँ पर पूर्व में आपराधिक इतिहास रहा है जहाँ के छात्रों का। इन जनरल भी एक रेड होता रहना चाहिए क्योंकि वहाँ से आपको जानकारी है कि हमेशा लड़ाई मारपीट हथियार चलते रहते हैं और नाम आता रहता है उनका। जैसे ही कदम कुआं थाना क्षेत्र में दो घटनाएं घटी थी पिछले महीने जिसमें सैदपुर हॉस्टल के लोग आए थे, हमने पूर्व में भी सैदपुर हॉस्टल में रेड किया था और इस रेड में पटेल छात्रावास से कुछ सामान भी मिली है, कुछ सामग्रियाँ भी मिली हैं जिसे जब्त किया गया है और FIR दर्ज करके उसमें आगे कार्रवाई भी की जा रही है कि वो सामग्रियाँ किसने लाई और कहाँ से आया था। यह एक रूटीन छापेमारी थी तो वहीं आईबी के इनपुट के बाद पुलिस एक्टिव हो गई। दरअसल बिहार में अग्निपथ को लेकर जितना बवाल मचा था उसके बाद पुलिस कोई भी ढिलाई नहीं छोड़ना चाहती थी। अग्निपथ योजना को लेकर आईबी अलर्ट जारी है। आईबी अलर्ट ने कोई स्पेसिफिक थ्रेट नहीं बताया है कि इन सारे हॉस्टल्स पे रेड करना है। रेड करने की जो निर्णय था वो हमारा अपना था। आईबी इस तरीके से चौकस है और आपको जानकारी भी होगी पटना सेंट्रल क्षेत्र में इस तरह की कोई घटना नहीं घटी है। अग्निपथ से संबंधित बहुत छोटी मोटी घटनाएं हैं जो पॉलिटिकल पार्टी ने जो प्रोटेस्ट किया था, उसके अलावा हमारे क्षेत्र में कोई घटना नहीं घटी थी। हम लोग पूरे चौकस हैं और इस तरह की कोई घटना नहीं घटेगी इसका भी हम लोग गारंटी लेते हैं। बता दें कि सेना में भर्ती के लिए केंद्र की अग्निपथ योजना के विरोध में पिछले दिनों पटना और दानापुर जंक्शन पर उपद्रवियों ने जमकर तोड़फोड़ और हिंसक प्रदर्शन किया था। इस दौरान यार्ड में खड़ी ट्रेन में आग लगा दी गई थी जिससे रेलवे को काफी नुकसान पहुंचा था। पटना से राजेश कुमार झा की रिपोर्ट, बिहार तक।